चैनल पिंक दिवाली साथ पल्लवी। आई होप आप सब ठीक हो और मैं भी यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज आ गई हूँ मैं एक न्यू प्रोडक्ट लिए जिसका नाम है फाइटिका। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हर किसी की नीड है आजकल मॉनसून में स्पेशली, क्योंकि 90% ऑफ द फीमेल और मेल एक्सपीरियंस मोर अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। तो देखो पूरा हर टाइम ही चलती रहती है, पर मॉनसून में ना हमारी स्कैल्प जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होने लगती है। तो मॉनसून में आपको हेयर केयर की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो है लश लॉक किट। ये एक कॉम्बो पैक है जो एक परफेक्ट है गिफ्टिंग के लिए भी, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रही है तो अपने भाई को अपने बहन को आप ये गिफ्ट ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि एकदम नंबर का किफ़ायती है। मैंने प्राइस यहाँ पे लिख दिया है और इनके वेबसाइट से आप खरीद सकते हो या फिर अमेजोन में भी अवेलेबल है। सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 हफ्तों से। तो 3 हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा है नहीं रहा है वो सारा डिटेल इस वीडियो में को मिलेगा। प्लस इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं इसका क्लोजअप लुक। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि इस बॉक्स में आता है 3 प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये एक बुक की तरह ओपन होती है और ये रहा 3 प्रोडक्ट। तो सारे के सारे आपने डिटेल में देख ही लिया है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करके आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होती है, और एप्लीकेशन के साथ साथ मैं उसके इंग्रेडिएंट्स उसके बेनिफिट्स भी बताते रहूँगी। प्लस ये जो वीडियो है और ये लश लॉक किट जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल 3 लोगों के लिए है। एक तो जिनके बालों में बहुत डैंड्रफ है, एक तो जिनका हेयर फॉल हो रहा है, या एक जिनका हेयर जो है उनके स्प्लिटेंस है बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ों को ये प्रोडक्ट जो है वो टैकल कर सकता है, और ये टैकल किस तरीके से करेगा वो मैं आपको बताती हूँ सिर्फ 2-3 स्टेप्स में। इसमें 3 प्रोडक्ट है जैसे आपने देखा। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी हेयर मास्क। तो हेयर मास्क जो है उसका कंसिस्टेंसी अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये रहा इसका बॉटल, इस तरीके से दिखती है बॉटल, ठीक है। ये प्लास्टिक की कंटेनर है, यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखी हुई है। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगते हैं ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये क्रुएल्टी फ्री है, ये सेफ है, इफेक्टिव है, नेचुरल है और ISO सर्टिफाइड है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बेसिकली एलोवेरा, आंवला, ब्रिंगराज, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने इंडियन हर्ब्स है, ठीक है। इसे ओपन करते ही आप एक यहाँ पर एक क्या बोलते हैं क्लोजर एक टाइप का है, और ये रहा पाउडर। इसे मैंने इस्तेमाल किया है सिर्फ 3 बार, ठीक है। ये हेयर मास्क जो है वो पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं, पर मेरे को टाइम मिलता है सिर्फ वीकेंड में, तो मैं सिर्फ 3 हफ्तों से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 3 ही बार इसे इस्तेमाल किया है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और अपने पूरे बालों में लगानी है। तो चलिए आपके साथ बात करते करते मैं लगा लेती हूँ इस प्रोडक्ट को। तो मेरा बॉल, और इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे, हम ले लेते हैं ये बॉटल। और अगेन ये बॉटल ऑफ ऑयल जो है ये फाइटिका के एंड से आती है और कॉम्बो में आती है, ठीक है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मोर और लेस सेम मिलेंगे आपको। प्लस ये ऑयल जो है वो आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसे हम ओपन करते हैं, इस तरीके से इसकी टैप बॉटल है, ठीक है, जो ईजी टू कैरी है। मैं आपको यहाँ पे थोड़े ड्रॉप्स गिरा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मल ऑयल होती है एकदम वैसे ही कंसिस्टेंसी के। इसकी स्मेल जो है ना एकदम ऑसम है, बहुत ज़्यादा ही फ्रेग्नेंटिक है पहली बात, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, सरदर्द वाला नहीं है। इसको डिस्क्राइब करना हो तो थोड़ा जैस्मिन जैसा फ्रेग्नेंस है इसका। ये बहुत ज़्यादा माना जाता है हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ के लिए। तो हाँ, डैंड्रफ मेरा बहुत हद तक कम किया है, ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर डैंड्रफ से जूझ रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर मॉनसून में ही आपका डैंड्रफ आ जाता है, तो आप ये ऑयल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे हेयर मास्क की। तो हेयर मास्क ये रहा, और इनके रेकमेंडेशन से आप 3 चीज़ें मिक्स कर सकते हो। एक तो उनका हेयर ऑयल से आप उसका पेस्ट बना सकते हो, सेकंड जो है वो आप पानी डाल सकते हो, और थर्ड जो है वो एलोवेरा जेल लगा सकते हो। तो ये करके इसका पेस्ट बना सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल इनके रेकमेंडेशन से ये ऑयल से ही इसे
पेस्ट बना दूंगी। तो अगर ऑयल डालते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा जाती है। अगर आपको इतना क्वांटिटी ऑयल का नहीं डालना है तो मैं जैसे मैंने कहा एलोवेरा जेल या फिर आप पानी से भी मिक्स कर सकते हो। तो इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। तो इस तरीके से इसका पेस्ट बन चुकी है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं होता, मेरी तरह वीकेंड में ही टाइम मिल पाता है, तो आप सैटरडे रात को ऑलरेडी ऑयल से मसाज कर सकते हो इसी ऑयल से, ठीक है, और ओवरनाइट उसको छोड़ देना और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो ऑयल के साथ ही पेस्ट बना, ताकि डबल डोज मिल सके आपके स्कैल्प पे। मास्क है वो स्कैल्प के साथ साथ पूरे लेंथ में भी लगेगी। तो मैं लगा लेती हूँ अभी। आप इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज्यादा माइल्ड है, और लेकिन कसूरी मेथी जैसा कुछ स्मेल आ रही है, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैंने लगा दिया है पूरे बालों में अपना, और सामने की तरफ मैंने कुछ ज्यादा लगा दिया है ताकि मेरे यहाँ पे जो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे यहाँ पे हेयर लाइन जो है ना मेरा कम हो रहा है थोड़ा, तो मैं सामने की और थोड़ा ज्यादा लगा लेती हूँ ताकि इस यहाँ से थोड़ा ग्रोथ आ सके। और मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत ग्रोथ देख पा रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाल, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है 3 हफ्तों में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे बाल न्यू ग्रोन है। ये इसे हमें रखना है 20 to 30 minutes और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से उसे वॉश अप कर लेनी है। मैं ले लेती हूँ एक टैबलेट जो बहुत ज्यादा एनहांस करता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, जो इसी पैक में आती है वो है ये टैबलेट्स। और ये टैबलेट्स में है, ये इसमें कुल मिला के कुछ 30 to 35 टैबलेट्स होती है। इसके ग्राम मैं मेंशन करूं तो 500 ग्राम्स ऑफ टैबलेट है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ब्राह्मी, एलोवेरा, आंवला, ब्रिंगराज, वही सारे चीजें हैं। ये सारे जो प्रोसेस है, ठीक है, ये आउटर का आउटर वे में से आप उसको नरिशमेंट देगा और ये इनर वे से आपको नरिशमेंट देगी। तो इस तरीके से ये टैबलेट दिखती है, जैसे आप देखो तो थोड़ी ग्रेइश कलर की है। और इसे आपको मील के बाद लेनी है, जैसे मैंने अभी लंच किया, तो आपको पानी के साथ कंज्यूम कर लेनी है। और 100% नेचुरल है, इसमें कोई ये क्रुएल्टी फ्री है, ये केमिकल फ्री है, ये सारे चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया है। तो बहुत सारे जो मेड इन इंडिया के पावरफुल हर्ब्स है उसी को यूज़ करके ये टैबलेट बनी है। तो मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई है 3 हफ्तों में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस्तेमाल। 30 मिनट्स हो चुके हैं तो आप अपने हाथों से ही ऐसे करके निकाल सकते हो उसके रेसिड्यूज, क्योंकि वो पाउडर बन गए। फिर पानी से उसको वॉश करके फिर शैम्पू कर सकते हो। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो अभी सेमी ड्राई हो चुका है। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली जब आपको स्प्लिट इंस या वॉल्यूम की इश्यूज है, तो आपको ना कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक बार जरूर आपका हेयर जो है नीचे से ट्रिम करना चाहिए, उसके बाद उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखोगे बहुत ज्यादा जल्दी से इफेक्ट आती है, स्प्लिट इंस है फिर से नहीं आएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा हेयर में, और जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो आपके हेयर में बहुत इफेक्टिवली आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने में या 3 महीने में आपको नीचे से ट्रिम जरूर करना चाहिए आपके हेयर को। जैसे आप देख सकते हो मेरा हेयर जो है एकदम कंडीशनर लग रहा है, जबकि मैंने सिर्फ वॉश किया है उसको शैम्पू से, मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगा, क्योंकि मेरा बाल जो है वो ऑलरेडी कंडीशन लगती है जब भी मैं ये हेयर मास्क यूज करती हूँ। तो आप 2 टाइम मैं वॉश करती हूँ और उससे क्या होता है आपके बालों में कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहती है हेयर मास्क की, और सेकेंडली आपका सारा जो ऑयल है वो निकल जाती है और इतनी कम अमाउंट में होती है जो आपके हेयर को कंडीशन कर सके। तो आपको कंडीशनर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है जब भी आप हेयर मास्क लगाओ। मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही अमेजिंग रही है, क्योंकि मुझे लगती है इसमें सारे चीजें हैं, एक हेयर ऑयल, एक हेयर मास्क, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैबलेट। टैबलेट तो बिल्कुल ना छोड़िए, बिकॉज टैबलेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। सिर्फ अगर ये लगाओगे तो आपको आउटर वे में अच्छी लगेगी, पर जो इनर ग्रोथ जो हो रही है ना हेयर की, वो बहुत ज़्यादा टैबलेट हेल्प करने वाली है। ये प्रोडक्ट ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। मुझे अगर कोई डिस्काउंट कोड कूपन कुछ भी मिल पाता है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और रक्षाबंधन में गिफ्ट के लिए आप अगर सोच रहे हो तो ये परफेक्ट गिफ्ट होगा आपके सिस्टर या ब्रदर्स को देने के लिए। इसमें सारे के
सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कस्टमर आईडी दिया है मैंने या कस्टमर नंबर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी कोई सवाल हो तो कॉमेंट डाउन में ज़रूर कर सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन बाय, much love.